हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टेटिंग पर। दोस्तों इस दिनों हम देखने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूनिट 1 से 5 तक के रहेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे दोस्तों, 17 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। फिर इसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको यूनिट वाइज इसके आंसर भी चाहिए तो हम वो अगली वीडियो में भी देखेंगे। तो हम इसके देख लेते हैं पूरा आपका टोटल कंप्यूटर फाउंडेशन का, ऑल मतलब पांचों यूनिट का आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपका इसी में से आ जाएगा पूरा 80 नंबर का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले क्वेश्चन कंप्यूटर का ही रहेगा, कंप्यूटर के इतिहास बताना है आपको, कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके विकास के पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद आपका अगला रहेगा जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां बताइए। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थी और किस सन से किस सन तक थी, तो आपको इस प्रकार बतानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन करना है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार थे, तो आपका प्रकार आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर के टाइप्स जो थे उनके अंदर आपको कोई सा भी आपको टाइप दे दिया जाएगा और उसका आपको वर्णन करने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन फोर्थ में, पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 6 इनपुट डिवाइस को समझानी है। तो इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होती हैं, इनमें से आपको किसी का भी वर्णन पूछ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं और उनके आपको वर्णन 6 इनपुट डिवाइस का आपको वर्णन करना है, समझाना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन 6 में आप देख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इसकी प्रकार समझाइए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर आपको बताना है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो आपको ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपका रहेगा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को बताना है आपको। मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी पूछा गया है, आपको प्राइमरी मेमोरी भी करना है, वो भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर को आपको समझाना, हार्ड डिस्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएँ और प्रकार बतानी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएँ और प्रकार बतानी है आपको। दोस्तों जी मैंने क्वेश्चन लिए हैं कंप्यूटर फाउंडेशन के, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर हो चुके हैं, हो रहे हैं 2-3 साल के आपके पेपर देखकर उसके क्वेश्चन से अगर आप ये 17 क्वेश्चन कर लेते हो कंप्यूटर फाउंडेशन के, तो आपको इनमें से 5ों क्वेश्चन, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको बता दूं उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको इनमें से 10 में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 10 ही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर ही पूरा होता है। जो 10-15 टॉपिक होते हैं जिनमें कंप्यूटर फाउंडेशन का पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है, तो आपके यही क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर को आपको समझाना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं और प्रकार बताने हैं आपको। इसके बाद आता है हमारा कंपाइलर, इंटरप्रिंटर और असेंबल क्या होता है, आपको तीनों को बताना है। ये क्वेश्चन आपसे अगल भी पूछे जा सकते हैं, तीनों हमने साथ में लिए हैं ताकि आप तीनों कर लें, और कंपाइलर और इंटरप्रिंटर में आपको अंतर भी बताना है। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर सिस्टम क्या है, विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम को समझाइए। तो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आपको नंबर सिस्टम यहाँ पे बताने हैं। इसके बाद वायरस क्या है और ये कंप्यूटर में कितने प्रकार का होता है, और आपको पूरा वायरस का यहाँ पर टॉपिक पर आता है, उनमें से क्वेश्चन होते हैं वायरस क्या होता है, इसके प्रकार, ये किस प्रकार हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इंटर करता है, तो इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपका वायरस क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इसके बाद आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, प्रक्रिया और प्रकार बताने हैं आपको कम्युनिकेशन के, तो ये आपको हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी, आपको करनी है जी कम्प्लीट। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है समझाइए, तो ट्रांसमिशन मीडिया करना है आपको। नेटवर्क क्या होता है और लैन नेटवर्क क्या है, इनकी विशेषता बतानी है। तो नेटवर्क क्या है, लैन, वैन, मैन, आपके 3-4 नेटवर्क होते हैं, उनमें से आपको कोई सा भी आपको वर्णन करने को दे दिया जाता है, तो आप 2-3 और पढ़ लें, आपका यहाँ पे लैन पूछा है। इसके बाद आता है आपका टोपोलॉजी क्या है, तो टोपोलॉजी के आपको प्रकार बतानी है,
पांच प्रकार का होता है टोपोलॉजी आपका ट्री, बस इस प्रकार। तो आपको पूरे पांचों टोपोलॉजी के, यहाँ पे टोपोलॉजी के प्रकार पूछे तो आपको पांचों ही बताने पड़ेंगे, तो ये आपका रहेगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस करनी है आपके, या अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर फाउंडेशन में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 5 से 6 यूनिट होती हैं, उनमें से कुछ टॉपिक लिए जाते हैं उन्हीं पर होता है। ऐसे किसी में प्रिंटर का यूनिट फर्स्ट प्रिंटर आ गया, फिर इसमें डिवाइस आ गई, फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया एक यूनिट में, एक यूनिट में कम्युनिटी हो गई, एक यूनिट में टॉपोलॉजी हो गया। तो एक ही यूनिट का एक टॉपिक होता है, उसके बारे में ही क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। तो आपको हर एक यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो इनके आंसर पर लाऊंगी। और दोस्तों क्वेश्चन आप ये सबसे पहले कंप्यूटर फाउंडेशन के एक क्वेश्चन कर लें हर एक, अगर आप चाहते हैं तो मैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर या डीसीए सेकंड सेमेस्टर के भी, आपको तीनों विषय होती हैं आपकी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तीन विषय होती हैं कंप्यूटर फाउंडेशन, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस। और आपकी डीसीए सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसका हम डीसी सेकंड सेमेस्टर वाली वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। तो आप अगर आप चाहते हो कि पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस के भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, जो कि आपके 18 या 20 क्वेश्चन 17 आप देख सकते हो, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फाउंडेशन की आप 17 क्वेश्चन बताए थे मैंने, पूरा एक सब्जेक्ट के 17 क्वेश्चन। तो आपको 17 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बताती मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन में से आपका पेपर कवर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस के भी चाहिए, तो आप उस पर उसके वक्त आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में, पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न कैसे आता है, पहले पेपर कैसे मतलब होता है पूरा, मैं आपको अगर पेपर का पैटर्न चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। बकायदा मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको एक और वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।